गुड इवनिंग। आज हम पटियाला के एक कवि कुलभूषण कालरा जी की रचना लेके प्रस्तुत उनकी रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है यही जीवन है। बहुत दिनों के बाद कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जीवन में जब आशाओं के फलित होने तक भोगी गई पीड़ाएं भूलने लगती हैं। बहुत दिनों के बाद आता है एक ऐसा दिन जब भूलने लगते हैं हम अपने माजी का दर्दो करब। कहीं सपने साकार होने पर मन बलियों उछलता है, तो कहीं मुट्ठी भर आकाश पा लेने पर किसी का जीवन जैसे कृतार्थ हो जाता है। जब पुरमसर्रत होते हैं किसी ख्वाब के तकमील होने पर, जब लगता है पाया तकमील तक पहुंचा है जीवन मुट्ठी भर आसमान पा लेने पर। मगर पूरे जीवन में बहुत दिनों के बाद ही आते हैं ऐसे कुछ दिन, क्योंकि उगते ढलते सूर्य के बीच ही अक्सर निकल जाता है सारा जीवन। मगर बेशुमार दिनों के बाद ही हासिल होते हैं ऐसे चंद दिन, क्योंकि दिन चढ़ते दिन ढलते बीत जाता है जीवन अक्सर। तो फिर क्यों ना तलाशते रहें ऐसे कुछ दिनों के लिए बहुत दिन, और सजाते रहें अपने सपने। तो कुछ ऐसे मुबारक दिनों के लिए क्यों ना कोशां रहें हम, सजाते रहें ख्वाब अपने। सारा आकाश नहीं तो मुट्ठी भर आकाश ही सही, यही खोना पाना ही शायद हमारा जीवन है। बस यही तो जीवन है। न तरसे मुकम्मल आसमान के लिए, कनात करें मुट्ठी भर आसमान पर, कुछ हासिल करना कुछ गंवाना शायद यही है हमारा जीवन। बस यही है हमारा जीवन।